नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मियों में गार्डन में पौधे जलने लगते हैं, जो कि बिगिनर के लिए एक बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे में पौधों को संभालने की। ऐसे में अगर कुछ पौधे हम ऐसे लगाएं जो कि तेज गर्मी में भी बिना पानी के, यानी कि कितनी तेज धूप हो उसमें अगर कम पानी दें तो भी वो सर्वाइव करें। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो तपती गर्मी में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नंबर एक, अगेव। इसको आप कैसे भी लगाएं ये पौधा मरेगा नहीं, यानी कि इसको कितनी तेज़ धूप हो, पानी अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये पौधा नहीं मरता। मैंने ये पौधा जो है कुछ महीने पहले जो है यहाँ पे निकाल के ऐसे रखा था, इसकी रूट्स को जो है मिट्टी में भी दबाया, सिर्फ ऐसे रखा हुआ था। ये इतने मंथ से बिना पानी के ऐसे ही रखा हुआ है और देखिए कितनी अच्छे से जो इसकी ग्रोथ जो ऊपर नहीं आती जा रही है। एक्चुअली में ये पौधा क्या करता है, जब इसको पानी नहीं मिलता, इसकी रूट से आप इसको पानी नहीं देते, तो ये क्या करता है, आप खुद की जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं इसके पानी से ही खुद को सर्वाइव करवा लेता है। और जब भी, यानी कि नेचर में जब बारिश होती है, जैसे कि आपने इसको अगर पूरी गर्मी पानी नहीं दिया और जैसे बारिश शुरू होगी तो उस बारिश के पानी को ये स्टोर कर लेता है ताकि बाद में इसको यूज़ कर सके। मेरे यहाँ पे जो गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है और इस पौधे को मैंने पॉट में लगा के भी देखा है, ज़मीन पे ऐसे भी रख के देखा है, हर तरह से मैंने इसको ग्रो करके देख लिया। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं बेफिक्र होकर, ये आपका पौधा जो है कभी नहीं मरेगा। नंबर दो, कालनचोय। ये भी एक फूल वाला पौधा है, इसके फूल जो है सर्दियों में शुरू होते हैं और अप्रैल तक भी इस जो फूल है वो खिलते रहते हैं। जब तेज़ हीट शुरू होती है तो इसके फूल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है गर्मी में कितनी तेज़ हीट हो और इसको अगर आप पानी ना भी देंगे तो भी ये सर्वाइव करता है, बिना पानी के भी ये काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। इस पौधे को भी मैंने हर तरह से लगा के देखा हुआ है, मैंने इसकी कटिंग भी ग्रो करके देखी हुई है। इसकी कटिंग लगाने के बाद मैंने उनको जो है ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पे फुल सनलाइट थी और पानी भी उनको नहीं दिया गया था, तो जब मैंने एक बार चेक किया तो उसका सोइल कंप्लीट ड्राई हो चुका था, लेकिन फिर भी जो कटिंग्स है वो सर्वाइव कर रही थी। तो ये भी एक ऐसा पौधा है जो आप कितनी तेज़ हीट आपके गर्मी हो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। नंबर तीन, जेड प्लांट। जेड भी गर्मियों की तेज़ हीट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि ये पौधा जो है जितना इसको अच्छे से धूप मिलती है ये उतनी अच्छे से ग्रो करता है। काफ़ी क्वेरी ये आते हैं कि हमारे पौधा ग्रो नहीं करता, तो वो इसलिए ग्रो नहीं करता अगर आपने उसको शेड एरिया में रखा हुआ है, उसको अच्छे से धूप नहीं मिल रही है। तो अगर आप इसको धूप अच्छे से देंगे तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो करते हैं, यहाँ तक कि इसकी कटिंग भी अगर आप लगाते हैं और उसको धूप में रख देते हैं तो वो कटिंग ख़राब नहीं होती, उल्टा जल्दी ग्रो करती है। मैंने ये भी देखा हुआ है, क्योंकि मैंने मेरी जितनी भी कटिंग इनकी लगाता हूँ मैं उनको धूप में रख देता हूँ, तो धूप में वो जल्दी ग्रो करती है। अगर इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ढीली ढीली सी है, यानी कि इसको धूप नहीं मिल रही, अगर इसकी पत्तियों में अगर रिंकल है तो इसका मतलब है आपने पानी काफ़ी समय से इसको बिल्कुल नहीं दिया है, सोइल जो है कंप्लीट ड्राई होने के बाद भी, और उसी की वजह से जो पत्तियों का जो पानी है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए रिंकल बन जाते हैं, तो आपको पानी उसमें देना चाहिए। बाकी इस प्लांट को मैंने काफ़ी तरह से ग्रो करके देखा हुआ है, इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, जितनी तेज़ धूप होगी उतनी अच्छे से ग्रो करेगा। मुझे गर्मियों में क्या है, मेरे बहुत से प्लांट को शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन जेड का प्लांट ऐसा है जिसको मैं हमेशा बाहर रखे रखता, इसको सिर्फ ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए, ये ओवर वाटरिंग से खराब हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर चार, पोर्टुलका। ये भी एक फूल वाला सकुलेंट प्लांट है, इसे भी आप गर्मियों में फुल सनलाइट में जहाँ पे तेज हीट वाली गर्मी हो वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 50 के करीब चला जाता है, लेकिन ऐसे में भी ये प्लांट इजिली सर्वाइव करते हैं, साथ ही इसके फूल भी तेज हीट में अच्छे से खिलते हैं। इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है, ग्राउंड कवर करने के लिए भी लगाया जा सकता है, इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास इसकी कटिंग नहीं मिलती है तो आप इसको बीज से लगा सकते हैं, अगर इसके बीज भी आपके आसपास नहीं मिलते हैं तो इसके बीज आप हमारे ऑनलाइन स्टोर mammalbonsai.in से ले सकते हैं। स्टोर पर आपको एक व्हाट्सअप चैट सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ पे अगर आपको कुछ समझना है तो पूछ सकते हैं। नंबर पाँच, कैक्टस। कैक्टस की मोस्टली जो प्रजातियाँ होती है उनको आप कितनी तेज़ धूप हो वहाँ पर अगर उसको रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होगा और अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। मेरे पास कुछ कैक्टस हैं, जैसे कि ये जो कैक्टस हैं
ये नागफनी जैसा है लेकिन ये नागफनी से थोड़ा सा अलग है। ओप्यूनिटा करके एक वैरायटी है, उसी की फैमिली से है। इसको भी अगर आप तेज हीट वाली धूप में ग्रो करते हैं और पानी अगर नहीं भी देते हैं तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। यानी कि ये पौधे ऐसे होते हैं जो कि जिनका मरने का चांस बहुत ही कम होता है। ये इतना पानी अंदर रखते हैं कि इनको जरूरत पड़ने पर ये वहां से पानी लेते रहते हैं और अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करते रहते हैं। इनका एक और है, अगर बाई चांस इसकी जो एक दो या पत्ती सूख भी जाती है तो जैसे ये नीचे गिरते हैं टूटकर ये वहीं पे अपनी रूट्स चला देते हैं, तो इनका मरने का चांस ही नहीं है। ये जहाँ पे भी गिरेंगे वहीं पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तेज़ हीट वाली गर्मी हो या तेज धूप हो आपके यहाँ पे, आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो तेज हीट वाली धूप में अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताए ये पाँच ऐसे पौधे हैं जो कि मेरे गार्डन में लगे हैं। मेरे गार्डन के ये पांच प्लांट मुझे सबसे बेस्ट लगे। आपके गार्डन के कौन से पौधे ऐसे हैं जो कि तेज हीट में सर्वाइव करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।